घोड़े की दुम पे जो मार रहा दौड़ा 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 मुझको बुलाने दौड़ा। मैं हूँ फैट भाई, उसी घोड़े पर सवार होके आपके सामने आया हूँ और लेकर आया हूँ उन्हीं लकड़ियों से बने कुछ शॉकिंग टेबल्स और फर्नीचर जिन्हें देखकर आप दंग के दंग रह जाएंगे। यहाँ कभी टेबल अचानक से ट्रॉली बन जाता है, तो कभी 4 सीटर टेबल देखते ही देखते 10 सीटर का बन जाता है। कुर्सी कभी बेड या कभी योगा मैट बन जाती है। ये कैसा इन्वेंशन है भाई। और अब तो आप डाइनिंग टेबल को भी फोल्ड करके कहीं भी कैरी कर सकते हो। और दोस्तों सच कहूं तो हमारे छोटे से घर में आधे से ज्यादा जगह तो हमारे फर्नीचर और टेबल्स ही हड़प लेते हैं यार। और ये फ्लेक्सिबल फर्नीचर आज का इनोवेटिव इन्वेंशन है जो अगर हमारे घर आ जाए तो बात बन जाए। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, ये एक इनसेन फर्नीचर ट्रांसफॉर्मेशन है जो चुटकी बजाते ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो अब और समय ना गवाते हुए हम सीधा चलते हैं कुर्सी से टेबल पर, टेबल से कैबिनेट पर और कैबिनेट से बेड पर। मेरा मतलब है शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल शॉकिंग फर्नीचर्स एंड टेबल्स यू नीड टू सी टू बिलीव। नंबर 11, सॉफ्ट कैबिनेट। दुनिया का सबसे सॉफ्टेस्ट फर्नीचर का खिताब जाता है सॉफ्ट कैबिनेट्स को। डच डिजाइन स्टूडियो डेवी वैन डी क्लॉम्प ने ये अनोखा सॉफ्ट कैबिनेट्स का कॉन्सेप्ट इन टेढ़े मेढ़े कार्टून कैबिनेट्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। ये सॉफ्ट कैबिनेट्स रबर फोम से बना है जो यूजुअली ऑब्जेक्ट्स को कुशन यानी प्रोटेक्ट करने को मदद करता है। प्लस ये सॉफ्ट कैबिनेट्स काफी फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग है। ये कांच के बर्तन से लेकर बुक्स, जूते सब कुछ स्टोर कर सकता है और ये जितना सॉफ्ट है उतना ही सेफ भी है। नंबर 10, लेज़मो एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल। जरा इमेजिन करिए कि आपके घर खाना खाने 10 लोग आए हैं और अतिथि देवो भव का पालन पोषण तो हम इंडियन सभी करते हैं, तो क्या आपका ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल 10 लोगों को बिठा पाएगा? वेल, अगर आपके पास ये एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल है तो जरूर आप 10 या 20 लोगों को भी एक साथ बिठा सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर लगे लॉक्स को खोलकर आप इस टेबल को बड़ा कर सकते हैं। और वो पीछे पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है ना? पर ये मोहतरमा पेंटिंग उतार क्यों रही है? अच्छा, तो टेबल के डेस्क को पार्ट्स में इस पेंटिंग के पीछे स्टोर किया गया है। वाह, क्या आइडिया सर जी। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली वो पेंटिंग खुद भी डाइनिंग टेबल का पार्ट है। 2-in-1 यूज, जस्ट वाव राइट। और ये सिंगल हैंडेडली आसानी से टेबल पर कनेक्ट होता है और बस 1 मिनट के अंदर आपका 4 सीटर टेबल 10 सीटर टेबल बन जाता है देखते ही देखते। और आप इस टेबल पर रैंप वॉक भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है ये टेबल भारी से भारी वजन भी उठा सकता है। नंबर 9, ऑजियो एक्सपेंडेबल टेबल। अगर डाइनिंग टेबल एक्सटेंड हो सकता है तो हमारा सेंटर टेबल भी किसी से कम नहीं। ओजियो का ये एक्सपेंडेबल टेबल किसी जादू से कम नहीं है। बस इस टेबल को पुश करो और खुश रहो, फोल्ड को अनफोल्ड करो और हाथों से जोड़ो। एकदम सिंपल, आपका छोटू सा सेंटर टेबल चंद सेकंड में ही बड़ा बन जाएगा और बस जादू की छड़ी घुमाते ही सेकंड्स में ये फिर से उसी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा छोटे में। तो है ना ही कमाल का। स्टोरेज रनिंग आउट का मैसेज फिर से कभी आपके हॉल में पॉप अप नहीं होगा। नंबर 8, एक्सपैंड फर्नीचर। डाइनिंग टेबल चेक, सेंटर टेबल चेक, ऑफिस टेबल ये भी यस। ये एक्सपैंड फर्नीचर भी बाकी टेबल्स की तरह एक्सपेंडेबल है। कॉन्फ्रेंस रूम में पड़े हुए ऑफिस टेबल अब काफी फ्लेक्सिबल एज पर नीड्स हो गए हैं। और सच कहूँ तो इट एक्चुअली मीट्स द मीटिंग डिमांड। अब मीटिंग में आए लोगों के हिसाब से आप जब चाहे इस ऑफिस टेबल को एक्सपेंड कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल का मिक्स इनोवेशन है। ये डाइनिंग टेबल की तरह साइज में लंबा है और सेंटर टेबल की तरह टेबल में फोल्डेड है। अब इसे कहते हैं असली प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरा मतलब है स्पेस। नंबर 7, स्पाइंडी। सही चेयर का सही डेफिनेशन, सही में स्पाइंडी है क्यों? वेल, ये दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल चेयर है। लिटरली दोस्तों इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, आप खुद इसकी शेप डिजाइन कर सकते हो। इसे आप कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो अपने नीड्स के हिसाब से। आप चेयर में हमेशा बुक या लैपटॉप लेकर बैठे होंगे, पर अब आप बैठने के अलावा और भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। आप इस चेयर को बेड बनाकर आराम कर सकते हैं और तो और आप इस पर बैठकर योगा भी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप और भी इनोवेटिव शेप्स बनाकर इस कुर्सी का मजा ले सकते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये स्पाइंडी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंस्पायर्ड हुआ हमारी स्पाइन से जो आराम से ह्यूमन वेट को कैरी कर सकता है। नंबर 4, द चक शेल्फ। अगर आप एक किताबी कीड़े हैं, तो ये चक शेल्फ आपके काफी काम आने वाला है। डिजाइनर नताशा हरा फ्रिस्कॉन इस वुडन बुक शेल्फ से तंग आकर एक नया और यूनिक अल्टरनेटिव लेकर आई जिसे द चक शेल्फ कहते हैं। ये शेल्फ 6 वुडन स्ट्रिप से बना है जो स्ट्रिप्स के आखिर में लगे हुए 2 मेटल लॉक से कनेक्टेड है। ये मेटल लॉक एक्चुअली शेल्फ को होल्ड करते हैं एंड लिटरली ये वुडन स्ट्रिप्स वाकई में काफी फ्लेक्सिबल है या कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें प्लेस कर सकते हैं। इस यूनिक डिजाइन की ये खासियत है कि हर बार बार बार
अनुसार आप इसका लुक चेंज कर सकते हैं। आप आइटम्स को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली कैसे भी प्लेस कर लो, आपको एक यूनिक वेब स्टाइल पैटर्न ही मिलेगा जो आपके घर की रौनक तो बढ़ाएगा ही, साथ में स्पेस भी बचाएगा। नंबर 3, स्टेयरकेस स्टोरेज। घर का एक एक कोना कैसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है ये हमारी माँ से बेहतर और कोई नहीं जानता, पर लिमिटेड स्टोरेज को मैक्सिमम स्टोरेज कैसे बनाना है इसे डिजाइनर डैनी कुओ से बेहतर और कोई नहीं जानता। डैनी का न्यू इन्वेंशन ऑफ स्टेयरकेस स्टोरेज कुछ इस तरह है, बहुत सारे ड्रॉअर्स और कंपार्टमेंट्स को नीटली अरेंज करता है और इसमें स्टोरेज पॉसिबिलिटीज एकदम एंडलेस हैं। यानी वर्टिकल फर्नीचर का हर एक हिस्सा ड्रॉअर्स और कपबोर्ड्स में बांटे गए हैं जो इतने कम स्पेस में भी बहुत सारे सामान को फिट कर सकता है। बस एक प्रॉब्लम जो लोग फेस कर सकते हैं इस वर्टिकल फर्नीचर में वो है ऊपर के कंपार्टमेंट्स रीच करना, पर डोंट वरी, डैनी भाई ने इसका भी बंदोबस्त कर रखा है ये स्टेयरकेस बना के। और ये स्टेयरकेस एक्चुअल में नीचे के लास्ट 3 ड्रॉअर्स हैं जिस पर आप आसानी से चढ़कर ऊपर के शेल्फ पर पहुंच सकते हैं। नंबर 2, कैनवस फर्नीचर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कैनवस फर्नीचर को देखकर आपको एक ऑप्टिकल इल्यूजन का एहसास होगा। ये कैनवस फर्नीचर का इन्वेंशन टोक्यो बेस्ड योय डिजाइन स्टूडियो ने खास करके आर्ट लवर्स के लिए बनाया है। अर्ज किया है, दूर से देखा तो आर्ट पीस नजर आया, पास जाके देखा तो गद्दा नजर आया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस डिजाइन स्टूडियो ने वाकई में आर्ट को जिंदा कर दिया, उसे लाइफ दे दी। स्टर्डी वुड और इलास्टिकेटेड फैब्रिक मटेरियल इस कैनवस पेंटिंग को, मेरा मतलब इस कैनवस फर्नीचर को स्ट्रॉन्ग बनाता है बॉडी वेट उठाने के लिए। मतलब माइंड एज ब्लोइंग ऑप्टिकल इल्यूजन जो कभी किसी ने एक फर्नीचर में नहीं देखा होगा। नंबर 1, पॉपअप फर्नीचर। दोस्तों, हमने बचपन में पॉपअप बुक्स और कार्ड्स तो देखे ही होंगे जो पूरे के पूरे 3D सीन्स को अपने अंदर समा लेते और पलक झपकते ही बुक खोलने पर ये बाहर आ जाते। ठीक ऐसे ही पॉपअप बुक्स से इंस्पायर्ड होकर डिजाइनर लिडी शेफनेच और अर्मिन बी वेंगर ने इन्वेंशन किया इस पॉपअप फर्नीचर का। क्यों है ना ये काफी इम्प्रेसिव, बस खोलो और बैठो। ये इम्प्रेसिव फर्नीचर केयरफुली एक फ्लैट पैक कार्डबोर्ड में सैंडविच्ड किए गए हैं। ये सबसे इजिली ट्रांसपोर्टेबल फर्नीचर है इस लिस्ट में और आप कहीं भी इस पॉपअप फर्नीचर को लेकर जा सकते हैं और आराम से अपनी तशरीफ इस पर रखकर बैठ सकते हैं। सो भाई लोग, ये थे हमारे टॉप 11 शॉकिंग फर्नीचर और टेबल्स जो बिलीव करने के लिए अपनी आंखों से देखना जरूरी था। आई मीन सीरियसली, क्या आपने इससे पहले कभी एक ऑप्टिकल इल्यूजन वाली चेयर की कल्पना की थी? वो छोड़ो, क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन डाइनिंग टेबल को उठा के कहीं भी ले जा सकोगे? वेल, अब सब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। इन टेबल्स, शेल्फ्स और कैबिनेट को यूज करने से लिमिटेड स्पेस को भी मैक्सिमम स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपका तो पता नहीं, पर मैं जल्दी कुछ सालों में एक स्मार्ट फर्नीचर तो जरूर लूंगा, खास करके डाइनिंग टेबल, क्योंकि मेरे घर में आए दिन कोई ना कोई मेहमान नवाजी करवाने टपक ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सा फर्नीचर या टेबल सबसे शॉकिंग लगा और पसंद भी आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सो अभी अलविदा कहना पड़ेगा, पर फैक्ट भाई जल्द ही नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएगा आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।